बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आप सब पे अपनी खैर बनाए रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्लब सैंडविच। क्लब सैंडविच के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपको बता दूँ। चिकन ले लिया था मैंने 4 से 5 अदद सीने के पीस, इसको बॉयल करके इसके रेशे निकाल लिए थे मैंने। इसके साथ ही चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च आधा छोटा चम्मच, धड़ा मिर्च आधा छोटा चम्मच, तिल का 1 बड़ा चम्मच, शिमला मिर्च चॉप की हुई आधा कप, बंद गोभी चॉप की हुई 1 कप, टमाटर 3 से 4 अदद चॉप किए हुए, अंडे हम लेंगे 2 अदद हार्ड बॉयल, इनको भी हम मैश कर लेंगे। गार्लिक मायो में लूँगी 4 से 5 बड़े चम्मच, टमाटो केचप लूँगी 4 से 5 बड़े चम्मच, चिल्ली गार्लिक सॉस लूँगी 4 से 5 बड़े चम्मच। साथ ही मैंने फ्राइज़ काट के रख लिए हैं, इनको पानी में रख लिया ताकि इनका रंग ख़राब ना हो। आए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंडों को मैंने मैश कर लिया, 1 बड़ा चम्मच तिल का इसमें जाएगा, काली मिर्च आधा चम्मच, धड़ा मिर्च आधा चम्मच। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे 1 चम्मच। गार्लिक मायो के 2 चम्मच शामिल करेंगे इसमें हम। गार्लिक मायो शामिल करके इसको हमने इसका अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हम ले लेंगे चिकन के रेशे, इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाट मसाले का चम्मच, आधा चम्मच धड़ा मिर्च और आधा ही चम्मच तेल का। इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक का, टमाटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, ऑलिव ऑयल का 1 चम्मच हमने शामिल करना है इसमें। अब हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसका मिक्सचर बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गार्लिक मायो, अब हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, इसमें शामिल करेंगे टोमेटो केचप, ये अच्छा सा मिक्सचर इसका तैयार हो गया है। अब मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ कि हमने किस तरह सैंडविच बनाना है। सबसे पहले स्लाइस पे हमने मायनीज और केचप वाला मिक्सचर स्प्रेड कर लेना है अच्छे से। दूसरे स्लाइस पे हमने वेजिटेबल वाला मिक्सचर डाल लेना है। तीसरे स्लाइस में मैं डाल रही हूँ ये अंडे वाला। चौथे स्लाइस पे हमने चिकन को फैला लिया अच्छे से। अब हम एक एक करके तमाम स्लाइस एक दूसरे के ऊपर रख देंगे, चिकन वाला, फिर सॉस वाला, फिर वेजिटेबल वाला और इसके साथ ही अंडे और मायनेज वाला, और हम इसको अब बंद करके सैंडविच बना लेंगे। इसकी कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इसकी एक कटिंग करनी है, उसके बाद हमने इसको ऐसे लेना है और फिर हमने इसकी ऐसे कटिंग करनी है जी। तो व्यूअर्स, सैंडविच हमारे बन चुके हैं, अब हमने फ्राइज़ को फ्राई करना है जी। तो व्यूअर्स, मैंने इनको तिकोन काटा है, आप इनको चकोर भी काट सकते हैं और इसके साथ इसमें से 2 सैंडविच भी बना सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, फ्राइज़ में मैंने थोड़ी सी धड़ा मिर्च, थोड़ा सा नमक और कॉर्नफ्लोर डाल के इसको मिक्स कर दिया था। अब हम इसके फ्राइज़ बनाएंगे। जी तो व्यूअर्स, फ्राइज़ हमारे तैयार हो चुके हैं, इसके साथ ही सैंडविच भी हमारे तैयार हैं। आप भी इनको लाजमी बनाएं, मुझे कमेंट करें कि ये कैसे बने हैं, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और प्लीज़ मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दें।